हेलो गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये बेसिकली एम्स और जिपमर के लिए क्वेश्चंस है, पर ये जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रीम के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। सो गाइस, इट्स मी रितिक एंड यू आर वॉचिंग नीट रनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंडियाज फर्स्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन वाज रिएक्टर वाज। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप जल्दी से बताइए। इंडियाज फर्स्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर वाज, तो इसका ऑप्शन सही होगा कामिनी। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियाज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट लॉन्चिंग पैड इज लोकेटेड एट। ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंडियाज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रॉकेट लॉन्चिंग पैड इज लोकेटेड एट। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ह्यूमन स्केल्टन इज डिवाइडेड इनटू। ह्यूमन स्केल्टन जो हम लोग का स्केल्टन सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ह्यूमन स्केल्टन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टू पार्ट्स, लेफ्ट और राइट। ठीक है। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, डॉक्टर्स बिफोर स्टार्टिंग देयर सर्विस टेक ओथ इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू वर्क ऑनेस्टली, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज। यानी जो डॉक्टर अपने जब डॉक्टर के डिग्री ले लेते हैं और जब वो डॉक्टरी शुरू करते हैं, तो किनके नेम से वो ओथ लेते हैं, किनके नेम से शपथ लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्जाइमर डिजीज अफेक्ट्स। अल्जाइमर डिजीज किन लोगों को अफेक्ट करता है, चाइल्डहुड को, एडोलेसेंस के एज को, या यंग पीपल को, या एल्डर पीपल को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्डरली पीपल्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, द टर्म CPR ऑफन यूज्ड इन द फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। यानी CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप देख करके बताइए CPR का फुल फॉर्म। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाई, एक्सरे कौन डिस्कवर किया था। ऑप्शन आपके सामने है, चार साइंटिस्ट के नेम है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एक्सरे डिस्कवर कौन किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलहेम के रोंजन। अब जो आठवां क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल ऑर्गन। वाइटल मतलब नाजुक होता है, तो नाजुक तंत्र इसमें से कौन सा हम लोग के शरीर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइटल ऑर्गन, तो इसमें से देखिए आई दिया हुआ है, नॉस्ट्रिल दिया हुआ है, हार्ट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। ठीक है, आई भी नाजुक है, ठीक है, ईयर भी नाजुक है, सब अपने जगह पर नाजुक, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइटल ऑर्गन इसमें से कौन है ये आप बताइए जल्दी से। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज, द कॉमनवेल्थ गेम ऑफ 2010 वेयर होस्टेड बाई। जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो कहाँ, किस देश उसको होस्ट किया था। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डैट मीन्स इंडिया होस्ट किया था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे का। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो भी ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन्स दिसंबर 2 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।